Yes. Loudness. काउंटनेस पढ़ा था, एप्टीट्यूड पढ़ा था, वेरी गुड. एंड हमने और क्या क्या पढ़ा था बेटा? लॉट्स ऑफ टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. पिच. पिच, ओके. क्या हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था? यस. क्या होती है? मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे ये चीज बताओ, क्या मैं इस पोर्शन को वेवलेंथ बोलूं? क्या ये इसको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं? कैन इट बी द वेवलेंथ? यस. अच्छा, क्या इसको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं? राइट. तो वेवलेंथ सबको क्लियर है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मीटर. 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 ओके. बेटा प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस. प्लीज क्वाइट बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है? थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ और उसके बाद हम थोड़ी सी वर्कशीट रहती है, वी विल कंटिन्यू विद द वर्कशीट. थोड़ा सा रिवाइज कर लो. हमने वेवलेंथ पढ़ा, आफ्टर दैट हमने एक और टॉपिक पढ़ी है, व्हाट इज दैट? टाइम. फ्रीक्वेंसी के बारे में बेसिक टर्म्स. इसके साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर. कितने के लिए कैलकुलेट किया जाता है? कितनी वेव्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है? टाइम पीरियड, दिस इज माय वन वेव, ठीक है? टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड फॉर वन वेव ओनली, ठीक है? दो वेव का देखना है तो सेकेंड वेव का आ जाएगा. मतलब टाइम पीरियड देखने के लिए मुझे सिर्फ एक वेव की जरूरत होगी. कितने टाइम पीरियड के लिए देखी जाती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड. ये चीज नहीं भूलनी कि फ्रीक्वेंसी हमेशा वन सेकेंड के लिए ही हम फाइंड करते हैं, राइट? ठीक है, जैसे कल मैंने आपको जंप्स वाली एग्जांपल दी थी, हम जंप एक सेकंड में फाइंड नहीं कर सकते ना, आपने कितनी जंप लगाई, बट हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि आपने वन मिनट में कितनी जंप्स लगाई. वन मिनट से हम वन सेकंड की जंप्स को कैलकुलेट कर लेंगे. समझ क्लियर? चलिए बेसिक से छोटी छोटी टर्म्स है, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. साथ साथ में आपको रिवाइज करवा दूंगी जो भी टॉपिक्स होंगे, ठीक है बच्चे? सो टिकट टू योर वर्कशीट टिल 23rd, ठीक है? 23rd. यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे कल. What will be the answer of 24th question? Take out your worksheets, everyone. बेटा आपके डेस्क पे आई थिंक और कुछ नहीं दिखना चाहिए इस टाइम वर्कशीट के अलावा. वर्कशीट ऑन योर डेस्क, ठीक है? बाकी सब चीज हटा दो, बहुत क्राउड सा किसी किसी के डेस्क पे लग रहा है. वर्कशीट हो, वो पेंसिल हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल. हम आपका ना अटेंशन बार बार डिस्ट्रैक्ट होती है चीजों से भी. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24? क्लास 8 ए. मैम प्लीज किसी से बोल कहिए कि आंसर बताएंगे. 15
रेंज क्या होती है बेटा हमारी, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो कोई भी देखो हमारे बाकी ऑप्शन सब इसी में लाई कर रही है, 60 हर्ट्ज भी इस रेंज में आ रहा है हमारा, 100 हर्ट्ज भी इसी रेंज में आ रहा है, 2000 भी इसी में आ रहा है, ठीक है, और 15 नहीं आ रहा है हमारा इस रेंज में। सो राइट आंसर इज 15। Now 25th question is, sound having a frequency higher than 20,000 hertz is called? Ultrasonic. Very good. और कम वाले को क्या बोलेंगे? जिसके 20,000 से कम, 20 hertz से कम होगी? Supersonic. यहाँ पे दो रेंज है ना, जिनकी साउंड, जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 hertz से कम होगी तो उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, और जिन साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। सिंपल अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का आप सबने एक वर्ड सुनी रखा होगा, जैसे स्टमक का है ना, काफी बॉडी पार्ट्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए करवाते हैं। आप समझ सकते हो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है अल्ट्रासाउंड करते हुए, उस अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है। तो क्या जब अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे आप छोटे हो मे बी आपको नहीं पता होगा इस चीज का, अगर जब अल्ट्रासाउंड होता है ना तो अल्ट्रासाउंड के टाइम उस साउंड की हम फ्रीक्वेंसी, उसकी आवाज नहीं आती हमें, तो अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, क्यों नहीं आती? क्योंकि वो हमारी ऑडिबल रेंज के बाहर चली जाती है। अल्ट्रासाउंड होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, अगर वहां पर एक रैट होगा ना उस रूम के अंदर, वो पागल हो जाएगा इतनी हाई साउंड सुनकर, अल्ट्रासाउंड सुनकर, बट हमें वो साउंड नहीं सुन रही है, क्योंकि रैट वो साउंड सुन सकते हैं, हम वो साउंड नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी ऑडिबल रेंज में नहीं है। ठीक है, समझ आई ये चीज? क्या आप अर्थक्वेक की साउंड सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। अर्थक्वेक की साउंड क्यों नहीं सुन सकते हम? क्योंकि अर्थक्वेक की साउंड भी हमारी इस ऑडिबल रेंज में लाए नहीं करती, बट डॉग्स और एनिमल्स वो साउंड को सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी ऑडिबल रेंज में जो अर्थक्वेक की साउंड होती है, अर्थक्वेक की वाइब्रेशन की जो साउंड होती है, वो उनकी रेंज में लाए करती है। समझ हमें अच्छे से सुनती है, कुछ साउंड किसी अनदर एनिमल को अच्छे से सुनती है, ये साउंड रेंज का वेरिएशन, किसी की साउंड रेंज कुछ है, किसी की साउंड रेंज कुछ है, तो वो हमारे इसी चीज पे डिपेंड करते हैं, हम कौन से साउंड सुन सकते हैं, कौन से साउंड नहीं सुन सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। The density of air is higher at, अच्छा इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, the density of air is higher at, कहाँ पर particles close होते हैं? During crest और during trough? Crest. क्या है ना, एक पार्टिकल क्लोज वाला एरिया है, फिर पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, फिर पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं, तो जहां पर क्लोज है दैट इज कंप्रेशन, जहां दूर है वो रेयरफैक्शन। कंप्रेशन इज रिलेटेड टू क्रेस्ट एंड रेयरफैक्शन इज रिलेटेड टू, राइट बेटा? सो पार्टिकल्स कहां पर हायर होंगे? क्रेस्ट में। क्रेस्ट नोट इज अ साउंड ऑफ, note is a sound of a single frequency, of a mixture of several frequency, of a mixture of only two frequencies, always unpleasant to listen to. Yes, what will be the right answer? The right answer is beta. The right answer is B. Note hoti hai, that is the sound of several frequency. Where is tone?
tone is the sound of single frequency. Right, beta? मतलब mixture of frequency का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं ना musical notes? Musical notes होते हैं ना साथ ही साथ करके, है ना? Yes. हम आपके बात नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. किसी भी सेक्शन में नहीं आ रही है? हम अभी आ रही है. अभी आई है? Yes. In every section my voice is coming? Yes. चलिए कंटिन्यू करें. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर नहीं आएगी तो आवाज बता देना बेटा. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था बी. क्वेश्चन नंबर 27 द राइट आंसर इज बी. ठीक है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी. अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल पूछा जाए तो होगा टोन. टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी. राइट बेटा? चलिए चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू. Yes, beta. Question number 28. Right answer is. बताइए. Children under the age of 5, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कहाँ तक साउंड सुन सकते हैं? उनकी हियरिंग रेंज कहाँ तक होती है? वो 25 kHz तक की साउंड को सुन सकते हैं. इसीलिए वो डर जाते हैं जल्दी से. I think there is some network issue, ना? Yes. Did I write the answer on the board? Is the board visible? Yes. Twenty-eight is 25 kHz. The answer, right answer is again B. Question 29. Loud sound can travel a larger distance due to loud sound. लाउडनेस किससे रिलेटेड होती है बेटा? हायर एम्पलीट्यूड. जहां पर भी लाउडनेस की बात आती है, हमने कल पढ़ा था लाउडनेस का डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. राइट आंसर इसका भी क्या होगा? बी. राइट आंसर इज बी. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 30th क्वेश्चन? दिस इज अ यस. सिंपल थोड़ा आपके याद करने वाली चीजें. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉइज फॉर ह्यूमंस? मैम बी. बी नॉइज फॉर ह्यूमंस. साउंड्स दैट आर बिटवीन 20 and 40. इट कैन बी नॉइस. नॉइस के लिए हमारे पास एक रेंज होती है बेटा. डू यू हैव द डेटा कि नॉइस के लिए कौन सी साउंड होती है? आई थिंक बेटा ये ना 80 डेसिबल वाला भी आंसर आपका बन सकता है. साउंड्स दैट आर लाउडर देन 80 डेसिबल. क्योंकि उससे पहले तो हम कन्वर्सेशन कर ही लेते हैं ना, उससे कम साउंड के तो. ठीक है. जो सॉफ्ट हमारी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन की साउंड होती है वो 60 डेसिबल होती है. डेसिबल यूनिट होती है साउंड की. ठीक है. तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन की रेंज है हमारी 60 डेसिबल. जैसे आप दो फ्रेंड्स बैठकर आपस में बात कर रहे हो, विस्परिंग नहीं कर रहे हो, यू आर टॉकिंग प्रॉपरली, दैट रेंज इज 60 डेसिबल अराउंड. तो 60 डेसिबल होगी तो आपका बी आंसर तो नहीं बनेगा बेटा. नॉइस के लिए आपका राइट आंसर जाएगा डी. राइट. 20 डेसिबल टू 40 डेसिबल अगर आप बोल रहे हो, दैट इज अ नॉर्मल. वो हमारे लिए नॉइस नहीं हो सकती, वो तो विस्परिंग साउंड है.
होते होते एक दूसरे के कान में बात कर रहे हैं या धीरे धीरे बोल रहे हैं, वो तो वो साउंड है। थर्टी टू क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा जल्दी से। 32nd क्वेश्चन। The town hall building is located close to Vizo House. There is a clock on the top of the town hall. Building which rings the bell every hour. Vizo has posted that the sound of the clock. एक बिल्डिंग है उसके टॉप पर कहीं पर एक क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। ये क्लॉक हर एक घंटे के बाद साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हर एक घंटे के बाद इसकी साउंड आती है कि 1 आवर आगे चली गई है घड़ी। तो भुजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि डे टाइम में इस क्लॉक की जो साउंड है मुझे कम सुनाई देती है, बट जब रात होती है नाइट के टाइम इवनिंग के टाइम इस सेम क्लॉक की साउंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनती है रात को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लॉक तो वही है, भुजो का घर भी कहीं पर है, ठीक है। भुजो का घर लेटर से ये उसका घर है भुजो का जहां पर वो रहता है, ठीक है। तो इस क्लॉक की साउंड सुन रही है ना, तो क्लॉक की पोजीशन चेंज हो रही है ना भुजो के हाउस की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर कि रात को उसको साउंड क्लियर आ रही है और दिन में क्लियर नहीं आ रही है? What could be the reason? Noise decreases in at night. क्या decreases? Noise. Noise decrease हो जाएगी तो अच्छा noise. Okay. Noise के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? देखो दिन के टाइम क्या होता है, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी नियर, ठीक है। दिन के टाइम क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, कहीं से कोई माइक चल रहे हैं, बड़े बड़े माइक चल रहे हैं, वेक्स हैं, उनके साउंड है, हॉन्किंग साउंड है बहुत ज्यादा, तो देयर इज लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन इन द होल एनवायरमेंट, ठीक है। सो इतनी सारी जब वाइब्रेशन इकट्ठी हो जाती है तो साउंड क्लियर नहीं आती। अगर आप एक क्लास के अंदर सारे शोर डाल रहे हो तो आपके टीचर को कैसे पता चलेगा कौन बोल रहा है ज्यादा, सारी साउंड मिक्स हो जाती है, ठीक है। पर रात के टाइम क्या है कि ट्रैफिक नहीं होता, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं होती, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो साउंड आ रही है वो कम डिस्टरबेंस के साथ आ रही है, कम डिस्टरबेंस होगी जिसके कारण ये साउंड भुजो को अब क्लियर सुनाई दे रही, ठीक है। मेन रीजन क्या हुआ, एट डे टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर मोर, एट नाइट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर क्वाइट लेस, जिसके कारण साउंड क्लियर होती। वाइब्रेशंस क्यों आ रही है, ज्यादा नॉइस है, जो भी किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया था दैट्स ओके, नॉइस ज्यादा है तो वाइब्रेशन ज्यादा है तो इसलिए साउंड कम सुनाई दे रही है दिन में, हमें क्लियर समझ आया बेटा? लिख लो इसको, लिख लो एट डे टाइम vibrations, and if you want to write noise, can write are more. Where is at time at night vibrations are less. Therefore, sounds heard clearly. Be down fast, be down. Yes. Have you finished? No. Okay. लिख लीजिए जल्दी से। बैठो सबसे आगे, बैठो, बैठने का तरीका देखिए।
चलिए बेटा जल्दी से ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 33 assertion एंड रीजन यस व्हाट इज assertion इट इज ट्रू और फॉल्स 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 लोअर द पिच श्रिलर द साउंड नो रॉन्ग पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यस बेटा पिच is directly proportional to frequency. More the frequency, more is the pitch. More is the pitch, more is the frequency. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा. ठीक है? So reason is true, assertion is false. Which option is right? D is the right answer. D. ठीक है? D answer आएगा आपके 33rd question का. Question number 34. Yes. The normal audible range for conversation is between 50 decibel to 60 decibel. It's true. अभी मैंने बताया था ना 60 decibel ये हमारी normal conversation range होती है. ठीक है. Next part is a sound of 80 decibel cause a heart attack. जो इतनी ज्यादा हाई साउंड हो जाती है हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को जिनका हार्ट वीक होता है इट इज ऑल्सो ट्रू ठीक है इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो द राइट आंसर विल बी बी ठीक है एक्सप्लेनेशन तो नहीं ना बन रही इस चीज की 35th स्नो ट्रेवल फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे अब मुझे बताओ गर्म कब साउंड ट्रेवल फास्ट करती है हॉट हॉट टेम्परेचर पे या कोल्ड टेम्परेचर पर कोल्ड टेम्परेचर बेटा हॉट टेम्परेचर में क्या होता है जो ये एयर में पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा हमारे फास्ट मूव करते हैं फास्ट मूवमेंट करते हैं ठीक है तो जो साउंड हमारी ट्रेवल करती है वो हॉट वेदर में फास्ट होती है वेयर एज इन द कोल्ड वेदर ठीक है ठीक है तो दिस इज ट्रू द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर यस अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की वेलोसिटी मतलब स्पीड ज्यादा तेज भागेगी स्पीड ठीक है पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं तो साउंड तो वो साथ में लेकर जा रहे हैं पार्टिकल्स ठीक है ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा हॉटनेस होगी ज्यादा हॉटनेस मीन साउंड इज मोर ठीक है आगे तो राइट आंसर इसका बनेगा ए 35th का राइट आंसर बनेगा आपका ए इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो ठीक है और 37th एक बार कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन है 37th द वॉइस ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट सबकी वॉइस डिफरेंट होती है एंड उसके बाद इसका रीजन क्या होता है बेटा आपको पता है जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना हमारी हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती है इसके लेंथ में फर्क होता है आपने देखा होगा बच्चों की बहुत तीखी आवाज होती है फिर फीमेल्स की होती है मेल्स की जनरली शार्प या श्रिलनेस नहीं होती वॉइस में उनकी थोड़ी हेवी साउंड होती है ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड वोकल कॉर्ड्स की लेंथ कितनी है राइट तो ये चीज है तो एंड इसका आंसर भी आपका क्या बनेगा ए 38th क्वेश्चन हाई एम्पलीट्यूड शो मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द हायर इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड मोर द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस साउंड है ना एक का एम्पलीट्यूड ये है और एक का एम्पलीट्यूड ये है ठीक है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हो आराम से बैठो बच्चे देखो कौन सी साउंड लाउडर सुनेगी आपको लाउड साउंड कौन सी होगी दोनों में से ऊपर वाली या नीचे वाली नीचे वाली तो लाउडनेस यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया ट्रू
Loudness, reason is saying loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude. ये भी कल हमने किया था. Loudness is directly proportional to the square of the amplitude. So right option is A. 38 का भी बन जाएगा A. आगे पिक्चर पे आइए. देखिए पिक्चर बनी हुई है बेटा ये. इसमें चार तरह की वेव्स बनी हुई है. ठीक है, तो किसी कोई भी ओवर फर्स्ट की नॉर्मल वेव है. सेकंड वेव में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस है वेव्स के अंदर. बी क्वाइट. चलिए वेव वन हो गई है, वेव टू, वेव थ्री में देखिए एम्पलीट्यूड भी सबसे ज्यादा है और वेव फोर एक अनदर सिंपल वेव दी हुई है. अब क्वेश्चन है विच साउंड वेव हैज द हाईएस्ट पिच. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से हाईएस्ट पिच किसकी है? सेकंड वेव टू की, क्योंकि उसमें क्लोजनेस ज्यादा है. ठीक है, वेव टू, वेव टू, क्योंकि वो बहुत क्लोज क्लोज बनी हुई है. ठीक है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द फोर साउंड वेव्स. सर्कल येस और नो टू मार्क योर रिस्पॉन्स. नाउ सी द स्टेटमेंट, वेव थ्री इज द लाउडेस्ट, इज इट ट्रू? वेव थ्री बोल रहे हैं लाउडेस्ट है, क्या ये ठीक बता रहे हैं? देखो लाउडनेस के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड किसका है सारी वेव्स में से? हाईएस्ट एम्पलीट्यूड. हाईएस्ट एम्पलीट्यूड. टीचर्स प्लीज, वेव वन एंड वेव फोर हैव नियरली द सेम लाउडनेस. वन एंड वेव फोर, क्या दोनों की लाउडनेस सेम है? लाउडनेस सेम देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या उनका एम्पलीट्यूड सेम है दोनों वेव्स का? देखिए वेव वन और वेव फोर में अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड है. हाइट देखनी है बस वेव की, क्या हाइट सेम है? सेम है. ठीक है, सो राइट आंसर विल बी यस. वेव टू एंड वेव थ्री हैव द सेम लाउडनेस, इज इट पॉसिबल? वेव टू टू तो है और थर्ड भी है. यस, राइट आंसर विल बी नो. इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है, चलिए तो भैया वर्कशीट. ठीक है, हमारी वर्कशीट खत्म हो गई है. हम कोई डाउट होगा तो बता देना मुझे बेटा, आई विल टेक वन मोर क्लास. अदरवाइज आपकी पूरी तरह से काम खत्म हो गया. कोई कुछ लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? टू एंड थ्री हैव द सेम लाउडनेस. गेम टू, दिस इज वे. Yes, please. ये वेव टू है या वेव टू? लाउडनेस कितना लाउडनेस है? लाउडनेस के लिए हम हाइट देखते हैं वेव. क्या मीन हाइट सेम है? तो दोनों की लाउडनेस भी सेम नहीं हो सकती, राइट? चलिए, सो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है, देखो. बेटा योर क्वेश्चन इज फिनिश्ड. डाउट, अगर कोई डाउट होंगे तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है, क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ. No. Thank you.